नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 9 मई 2019 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। नज़र डाल लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। पहला आर्टिकल यहाँ पे राजनीति से संबंधित है, किस प्रकार से अलायंसेस बन सकते हैं 23 मई को लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट आने के बाद। नहीं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये जो आर्टिकल है बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। बीच में ये बड़ा जो आर्टिकल है, कन्हैया कुमार ने इलेक्शन लड़ा बेगूसराय से और क्यों कहा जा रहा है बेगूसराय का जो इलेक्शन है वो सेकुलरिज्म का टेस्ट है, नहीं इंपॉर्टेंट आर्टिकल, राजनीति से संबंधित है, नहीं डिस्कस करेंगे। नीचे ये आर्टिकल, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जो आरोप लगे हैं उसके बाद किस प्रकार से जाँच हुई उन आरोपों की, कमेटी गठित की गई थी, उस कमेटी ने ठीक से अपना काम नहीं किया, इस इश्यू से संबंधित हम 2-3 आर्टिकल्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, पॉइंट्स रिपीट हो रहे हैं। दूसरे पेज पे ये जो आर्टिकल है सीड्स के बारे में है, इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल फिर से राजनीति से संबंधित है, नहीं इंपॉर्टेंट, नहीं डिस्कस करेंगे। और एक आर्टिकल हमारा WTO से संबंधित थोड़ा सा बाकी है, उसे भी हम कंप्लीट करेंगे। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन्वायरमेंट से संबंधित है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? देखो, एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट। किसके द्वारा ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है? IPBES के द्वारा। पूरा नाम है इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। इस रिपोर्ट में कहा गया है पिछले कुछ समय में ह्यूमन बींग्स ने नेचर को इतनी बुरी तरह से एक्सप्लोइट किया है कि देखो अभी तक जितने एनिमल और प्लांट ग्रुप्स को हमने स्टडी किया है उनमें से 25% तो लुप्त होने के कगार पर है। अगर देखो ऐसा ही चलता रहा, फ्यूचर में भी ह्यूमन बींग्स के द्वारा नेचर को इसी प्रकार से अगर एक्सप्लोइट किया जाता है और विभिन्न कंट्रीज के द्वारा इसी प्रकार का इकोनॉमिक ग्रोथ का मॉडल फॉलो किया जाता है, तो आने वाले कुछ दशकों में ऑलमोस्ट 10 लाख प्लांट्स या फिर एनिमल्स की स्पीसीज ऐसी हैं जो लुप्त हो जाएंगी, जो फिर दोबारा कभी नहीं देखने को मिलेगी। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स। कौन से ऐसे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से इकोसिस्टम काफ़ी तेजी से डिग्रेड हो रहा है? अगर कुछ मुख्य फैक्टर्स की बात करें, पोल्यूशन, इन्वेसिव स्पीसीज। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं, एक रीजन की स्पीसीज होती हैं लेकिन उनको दूसरे रीजन में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, वहाँ पे जाके वो लोकल इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करती हैं। इन्वेसिव स्पीसीज का कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में। इसके अलावा लैंड, वाटर जैसे जो रिसोर्सेज हैं इनका बहुत तेजी से एक्सप्लोटेशन हो रहा है। वैसे तो देखो पिछले 50 सालों में पूरे वर्ल्ड में इकोसिस्टम का नुकसान जो है वो काफ़ी गुना तक बढ़ गया है, लेकिन जो ट्रॉपिकल एरियाज हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुए हैं। ट्रॉपिकल एरियाज में आपको पता है बायोडाइवर्सिटी दूसरे एरियाज के अपेक्षाकृत ज़्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ट्रॉपिकल एरियाज में सनलाइट ज़्यादा होती है, एनर्जी की एक्सेस ज़्यादा होती है और क्लाइमेट भी स्टेबल होता है। तो ये कुछ मुख्य रीजंस हैं जिसकी वजह से ट्रॉपिकल एरियाज में बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा होती है। और पिछले 50 सालों में सबसे ज़्यादा जो एरिया प्रभावित हुआ है वो ट्रॉपिकल एरियाज हुआ है। यहाँ पे एनिमल ग्रुप्स और प्लांट ग्रुप्स की स्पीसीज सबसे ज़्यादा लुप्त होने की कगार पर आई हैं। अभी देखो वर्ल्ड में ऑलमोस्ट 25% एरिया ऐसा है जहाँ पर ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन ये जो एरिया है वो धीरे धीरे श्रिंक हो रहा है, मतलब सिकुड़ रहा है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में देखो फॉरेस्ट एरिया को डाइवर्ट किया जा रहा है डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए, बड़े बड़े डैम्स इस्टाब्लिश किए जाते हैं, माइनिंग के लिए फॉरेस्ट की ज़मीन है वो प्राइवेट कंपनीज को दे दी जाती है। मतलब ऐसे एरिया की अब बहुत ज़्यादा कमी हो रही है जहाँ पे ह्यूमन इंटरफेरेंस काफ़ी ज़्यादा कम है। जब देखो किसी प्रोजेक्ट को इस्टाब्लिश करने की बात होती है या फिर इकोनॉमी की बात होती है तो नेचर से संबंधित फैक्टर्स को, इन्वायरमेंट से संबंधित फैक्टर्स को कंसिडर नहीं किया जाता प्रोडक्टिविटी में। नेचर हमें बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, जैसे क्लीन एयर प्रोवाइड करती है, वाटर, प्रोविजन ऑफ फ्यूल, इसके अलावा क्लाइमेट को मॉडरेट करती है, कार्बन को एब्जॉर्ब करने में सहायता करती है। मतलब बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी किसी प्रोजेक्ट पर फैसला होता है, जब भी सरकार के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है कि हाँ फॉरेस्ट की ये जो ज़मीन है वो डाइवर्ट की जा रही है डेवलपमेंट एक्टिविटी के लिए। जब तक नेचर को कंसिडर नहीं किया जाएगा, इन्वायरमेंट फैक्टर को कंसिडर नहीं किया जाएगा डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ में, इसी प्रकार से नेचर का जो शोषण हो रहा है वो होता रहेगा।
इकोलॉजिकल इकोनॉमिस्ट का यह कहना है, मानव जाति ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कौन सी आवश्यकताएं, जैसे देखो एग्रीकल्चर एरिया को एक्सपेंड करना है तो फॉरेस्ट को काट दो, एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिविटी है उसे बूस्ट करना है तो हार्मफुल केमिकल्स का इस्तेमाल करना, ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइजर्स केमिकल साइड्स का इस्तेमाल करना, ये सब होता है। और माइनिंग के लिए जो ज़मीन है वो लीज पर दे दी जाती है बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, कंपनीज़ को। तो ये किस लिए किया जाता है? ये किया जाता है अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए। लेकिन देखो इन सब एक्टिविटीज से, इन सब चीज़ों से मानव जाति ने क्या किया है, पूरे टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, मरीन इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को ही मॉडिफाई कर दिया है। और इससे नुकसान किसको हुआ है? नुकसान देखो मानव जाति को ही हुआ है। इंसान क्या करता है, अपनी सिर्फ इमीडिएट नीड्स के बारे में देखता है कि फिलहाल किस चीज़ की आवश्यकता है उसकी पूर्ति की जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या नुकसान होगा उस पर इंसान फोकस नहीं करता है। तो इकोसिस्टम को मॉडिफाई क्या है, इसकी वजह से वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो गई है, पॉलिनेशन में काफ़ी कमी आई है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है। जब देखो विभिन्न देश अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ रेट से संबंधित, इकोनॉमिक प्रोग्रेस से संबंधित बड़े बड़े दावे करती हैं, तो क्या वो ये बताती हैं कि पोल्यूशन की वजह से इकोसिस्टम को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है? नहीं। देखो IPBES असेसमेंट के हिसाब से 1980 से लेकर अभी तक पोल्यूशन जो है, खास करके प्लास्टिक पोल्यूशन, काफ़ी गुना तक बढ़ गया है, जिसकी वजह से 267 जो स्पीसीज हैं वो प्रभावित हुई हैं, जिसमें से 86% मरीन टर्टल्स की स्पीसीज, 44% सी बर्ड्स की स्पीसीज और 43% मरीन मैमल्स की जो स्पीसीज हैं वो प्रभावित हुई हैं प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से। लास्ट में ये बोला जाता है, अभी देखो फिलहाल ऑलमोस्ट 6000 के आसपास मैमल्स की स्पीसीज ऐसी हैं जिनको डोमेस्टिकेट किया गया है खाने में इस्तेमाल करने के लिए, मतलब फूड के लिए इस्तेमाल किया जाता है 6000 मैमल्स की स्पीसीज को, इस वजह से उन्हें डोमेस्टिकेट किया जाता है, उन्हें पाला जाता है। लेकिन ऑलमोस्ट 9% ऐसे मैमल्स की जो स्पीसीज हैं वो लुप्त हो गई हैं 2016 तक। आज देखो स्पीसीज के लुप्त होने का यानी एक्सटिंक्ट होने का जो रेट है वो काफ़ी ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू स्पीसीज के लुप्त होने का जो रेट था ऑलमोस्ट 10 मिलियन साल पहले। तो इसीलिए आवश्यकता ये है कि विभिन्न कंट्रीज आवश्यक स्टेप्स लें ताकि प्लांट्स और एनिमल्स की जो स्पीसीज हैं उन्हें कंजर्व किया जा सके और नेचर का जो बुरी तरह से एक्सप्लोइटेशन चल रहा है वो रुके, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो देखो सस्टेनेबल होने चाहिए। और इसी वजह से जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जिन्हें अचीव करना है 2030 से पहले पहले, उनका जो इम्पोर्टेंस है वो और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। और इकोनॉमिक प्रोग्रेस को जब मेजर किया जाए उस इकोनॉमिक प्रोग्रेस के मेजरमेंट में ये भी कंसिडर किया जाए कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस जो हुआ है उससे इन्वायरमेंट को, इकोसिस्टम को कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। जब तक देखो हम इकोनॉमिक प्रोग्रेस में प्रायोरिटी नहीं देंगे इकोसिस्टम के लॉस को, तभी तक इसी प्रकार से जो एक्सप्लोटेशन चल रहा है वो चलता रहेगा और इन्वायरमेंट की कंजर्वेशन की तरफ कोई भी ध्यान नहीं देगा। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया इन्वायरमेंट से संबंधित। चलते हैं आगे, नेक्स्ट आर्टिकल सीड्स के बारे में है। आप GS पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? पेप्सिको कंपनी ने हमारे देश में 4 किसानों के खिलाफ केस फाइल कर दिया। किस लिए? पेप्सी का आरोप ये था कि 4 किसानों ने आलू की यानी पोटैटो की उस वैरायटी को उगाया जो हम इस्तेमाल करते हैं लेस के चिप्स बनाने में, और आलू की उस वैरायटी के जो प्रॉपर्टी राइट्स हैं वो हमारे पास हैं, ऐसा बोलना था पेप्सिको कंपनी का। इस वजह से आलू की उस वैरायटी को दूसरे पर्संस के द्वारा, दूसरे किसानों के द्वारा नहीं उगाया जा सकता। चूंकि 4 किसानों ने आलू की उस वैरायटी उगाया है इसलिए हमने केस फाइल किया। लेकिन बाद में देखो डोमेस्टिक प्रेशर और इंटरनेशनल प्रेशर के चलते पेप्सी ने उन किसानों के खिलाफ अपना केस वापस ले लिया। कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड में विभिन्न जगहों पर पेप्सी को फार्मर्स के खिलाफ इस प्रकार के केस फाइल करती रहती हैं। और किसान जो हैं वो भी देखो ज़्यादा आकर्षित होते हैं कि हाई यील्डिंग जो सीड्स हैं उनको इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि उन्हें हमेशा से ये सिखाया जाता है, ये बताया जाता है। ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद से ही फार्मर्स को जो एक्सटेंशन सर्विसेज दी जाती हैं उन एक्सटेंशन सर्विसेज में इस बात पर फोकस किया जाता है कि किसान हाई क्वालिटी यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल करें। लेकिन देखो जब किसान हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल करते हैं तो इसके लिए इनपुट्स की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है, मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए,
वीड्स को ख़त्म करने के लिए ज़्यादा केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है, पानी की आवश्यकता भी ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये है, इतना तो देखो किसान को फ़ायदा नहीं होता जितनी किसान की जो लागत है वो बढ़ जाती है। और ये जो सीड्स हैं ना, जैसे पेप्सिको के सीड्स हैं या फिर दूसरे हाई क्वालिटी के सीड्स हैं, बहुत सारे बीज तो ऐसे होते हैं जिससे लोकल इकोसिस्टम को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। और अभी तो बहुत सारे एनजीओस, बहुत सारे ग्रुप्स ऐसे भी हैं जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, वो सरकार से मांग कर रही हैं कि इस प्रकार का कोई कानून पास किया जाए कि जिससे मार्केट में सिर्फ और सिर्फ सर्टिफाइड सीड्स बिकें, सर्टिफाइड सीड्स के अलावा और कोई सीड्स बिके ही ना और जिसका इस्तेमाल फार्मर कर ही ना पाए। अभी देखो हमारे देश में कानून ये है, किसान जो हैं वो सीड्स को सेव कर सकते हैं, मतलब उन्होंने किसी सीड का इस्तेमाल किया है अपने खेत में, उसको सेव किया जा सकता है किसानों के द्वारा, उसको फिर से उगाया जा सकता है और इवन किसान उन सीड्स को बेच भी सकते हैं। ये फ़र्क नहीं पड़ता कि उन सीड्स का सोर्स क्या है और किसानों के द्वारा उन सीड्स को बेचा जा सकता है दूसरे किसानों को। ये देखो फिलहाल कानून का फ्रेमवर्क है हमारे देश में, लेकिन होता क्या है कि किसान को हमेशा से इस प्रकार का पाठ पढ़ाया जाता है कि आप हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल कीजिए बड़ी कंपनीज के, और होना तो ये चाहिए जो हाई यील्डिंग सीड्स हैं वो लोकल कंडीशंस के हिसाब से हों, लेकिन देखो उल्टा हो जाता है, किसान उन सीड्स के लिए लोकल कंडीशंस को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, जिस वजह से ना सिर्फ लोकल जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। शॉर्ट टर्म तो फ़ायदा हो जाता है किसान को, थोड़ी सी पैदावार तो बढ़ती है, लेकिन उसके बाद भूमि की जो उपजाऊ क्षमता है, फर्टिलिटी है, वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है और किसान डिपेंडेंट हो जाते हैं उन सीड्स पर। अब देखो क्वेश्चन ये उठता है, क्या किया जा सकता है ये इंश्योर करने के लिए हमारे देश के जो किसान हैं वो हाई यील्डिंग सीड्स का इस्तेमाल करने के बजाय लोकल वैल्यू सीड्स का इस्तेमाल करें, जिससे इन्वायरमेंट का जो नुकसान है वो कम से कम हो और न्यूट्रिशनल गेन ज़्यादा हो, किसानों की वेलफेयर भी इंश्योर हो। तो कुछ स्टेप्स जो राइटर के द्वारा बताए जाते हैं, सबसे पहला स्टेप ये है किसानों को जागरूक किया जाए, उन्हें एजुकेट किया जाए, उन्हें कुछ इंसेंटिवाइज भी किया जाए ताकि वो खेत में देसी सीड्स यानी जो हेट्रोजेनस सीड्स हैं उनको ही कंजर्व करें और उनका ही इस्तेमाल करें खेती में, बजाय के इम्प्रूव्ड प्रोप्राइटी वैराइटीज़ के इस्तेमाल करने के। जैसे देखो पेप्सिको कहती है आप ये आलू मत उगाइए, इस पर हमारा प्रोप्राइटी राइट है, इसी प्रकार से अलग अलग कंपनीज़ के जो प्रोप्राइटी सीड्स हैं उनका इस्तेमाल किसान ना करें, क्योंकि इससे लोकल इकोसिस्टम का लॉस होता है, काफ़ी ज़्यादा इनपुट्स की आवश्यकता होती है, आप अपने देसी सीड्स का इस्तेमाल कीजिए जो खेत में ही प्रोड्यूस हुए हैं, आप हेट्रोजीनियस सीड्स का इस्तेमाल कीजिए। इस बारे में किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। दूसरा स्टेप सरकार के द्वारा ये उठाया जा सकता है, किसी प्रकार की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, फॉर एग्जाम्पल ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। मान लीजिए एक किसान है, ये किसान का खेत है और किसान ने अपनी ज़मीन पर हाई क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस किया है और बाद में वो किसान कुछ सीड्स को बेच देता है दूसरे किसान को, और दूसरा बेच देता है तीसरे किसान को, और तीसरा चौथे को। तो इन सब चीज़ों में देखो पहला जो किसान है जिसने हाई क्वालिटी सीड्स को प्रोड्यूस किया था उसको भी फ़ायदा होना चाहिए। तो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जैसी कोई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है तो जब भी इस प्रकार के सीड्स आगे से आगे बिकेंगे, चाहे वो ग्लोबल लेवल पर बिकें, तो वो किसान जिसने इन सीड्स को सबसे पहले प्रोड्यूस किया था उसको रॉयल्टी मिलती रहेगी। अगर ऐसा होता है तो होगा क्या, जो इंडिजिनस क्वालिटी सीड्स हैं उनको प्रोड्यूस करने के लिए किसानों को इंसेंटिव मिलेगा। तीसरा देखो पहले दो पॉइंट्स तब इंप्लीमेंट किया जा सकेंगे जब इंडिया अपने ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज सिस्टम को फिर से रिवाइव करता है। हमारे पास देखो कृषि से संबंधित, इकोलॉजी से संबंधित परंपरागत जो नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा अमूल्य है, बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है, और उसको शामिल करना ज़रूरी है। जो नॉलेज दी जाती है किसानों को मॉडर्न इरा में, आज के समय में जो एक्सटेंशन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में रिसर्च होती है, एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है स्टूडेंट्स को, इन सब चीज़ों में जो हमारी ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज है ना उसे ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एंशियंट इंडिया की जो ट्रीटीज़ हैं, वृक्ष आयुर्वेद या फिर कृषि प्रसार, इनको शामिल किया गया है इंटरनेशनल कन्वेंशंस जैसे CBD यानी कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और इस कन्वेंशन में नाम दिया गया है वृक्ष आयुर्वेद और कृषि प्रसार को इंडिजिनस एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजीज। ये हमारी एंशियंट इंडियन ट्रीटीज़ हैं।
तो आवश्यकता ये है कि हम हमारी इकोलॉजिकल, जो परंपरागत इकोलॉजिकल नॉलेज है, उसे रिकॉग्नाइज करें और इसकी जानकारी किसानों को भी दें। लास्ट में देखो, एक बात ये बोली जाती है, पेप्सिको कंपनी ने 4 किसानों के खिलाफ केस वापस ले लिया है, अच्छी बात है, लेकिन ये एक वेकअप कॉल है सरकार के लिए और पॉलिसी मेकर्स के लिए। उन्हें बहुत ज़्यादा स्टेप्स लेने की आवश्यकता है, काफ़ी कुछ करने की आवश्यकता है, ताकि रूरल सोसाइटीज़ को सस्टेनेबल बनाया जा सके, सोयल की हेल्थ को प्रोटेक्ट किया जा सके, ताकि ना सिर्फ किसानों की बल्कि पूरे देश की इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सीड से संबंधित। अब एक लास्ट में WTO से संबंधित हमारा आर्टिकल जो बाकी है उसे हम डिस्कस कर लेते हैं। हम डिस्कस कर रहे थे WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के एवोल्यूशन के बारे में, और पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था 2013 के बाली पैकेज तक। 2013 में नोवी मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग हुई थी, कहाँ पर, इंडोनेशिया के शहर बाली में, और बाली पैकेज पर सहमति बनती है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। अब देखो, WTO की 10वीं मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है नैरोबी में। नैरोबी कीनिया का एक शहर है। ये पहली बार था कि WTO के मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग अफ्रीका के एक देश में ऑर्गेनाइज होती है। तो 10वीं मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग जो 2015 में कंडक्ट होती है, इस मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग में एक पैकेज पर सहमति बनती है, नैरोबी पैकेज। क्या था नैरोबी पैकेज में? नैरोबी पैकेज में देखो, इस बात पर सहमति बनती है कि डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज किसानों को जो सब्सिडी देते हैं एक्सपोर्ट पर, जैसे इंडिया अपने किसानों को सब्सिडी देता है ताकि वीट का एक्सपोर्ट या फिर दूसरी फसलों का एक्सपोर्ट हो सके दूसरे देशों में, उसी प्रकार से डेवलप कंट्रीज भी अपने अपने किसानों को सब्सिडी देते हैं ताकि वो फूड ग्रेन्स को एक्सपोर्ट कर सकें दूसरे कंट्रीज में। तो नैरोबी पैकेज में सहमति इस बात पर बनी थी कि डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग कंट्रीज सभी देश एक्सपोर्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी को एलिमिनेट करेंगे, लेकिन समय सीमा अलग अलग डिसाइड हुई। डेवलप कंट्रीज तो देखो 1 जनवरी 2016 से ही एक्सपोर्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी को एलिमिनेट कर देंगे, जबकि सहमति ये बनी डेवलपिंग कंट्रीज 1 जनवरी 2018 से पहले पहले एक्सपोर्ट पर दी जाने वाली सब्सिडी को एलिमिनेट करेंगे। इसके अलावा डेवलपिंग कंट्रीज को एक छूट यह भी दी गई थी कि वो 2023 तक ट्रांसपोर्ट पर और मार्केटिंग पर सब्सिडी दे सकते हैं किसानों को। तो ये सब चीज़ें डिसाइड हुई थी नैरोबी पैकेज में। नैरोबी पैकेज पर सहमति बनी थी 2015 में जो 10वीं WTO की मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई थी उसमें। अब आपके मन में एक क्वेश्चन ये आया होगा कि नैरोबी पैकेज तो ठीक है, लेकिन पुराने जो इश्यूज चले आ रहे थे उनका क्या हुआ? आपके दिमाग में ये प्रश्न जरूर आया होगा कि बाली पैकेज में जो ये डिसाइड किया गया था कि 4 साल तक पीस क्लास रहेगा, यानी डेवलपिंग कंट्रीज अपने किसानों को सब्सिडी दे सकती हैं, MSP पर उनसे फसलों को प्रोक्योर कर सकती हैं और स्टोर करके रख सकती हैं, इस पर कोई डेवलपिंग कंट्री को WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू नहीं लेके जाएगा। 4 साल तक का वक्त दिया गया था और ये डिसाइड किया गया था कि 2017 से पहले पहले इस इशू पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाएगा। क्या 2015 में इस इशू पर कोई सॉल्यूशन निकला? नहीं निकला। उसके बाद 11वीं मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है ब्यूनस आयरस में। ब्यूनस आयरस कहाँ पे है? अर्जेंटीना में। ध्यान से सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 2013 में निकल के आता है बाली पैकेज जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। 2015 में निकल के आता है नैरोबी पैकेज। उसके बाद फिर 11वीं मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग ऑर्गेनाइज होती है अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में। और किन किन मुद्दों पर चर्चा होती है? देखो, एक तो मेन इशू यही था ही कि 2017 से पहले पहले फूड सब्सिडी के इशू पर कोई परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, और इसके अलावा और काफ़ी सारे इश्यूज पर डिस्कशन हुई, जैसे ई कॉमर्स और फिशरीज सेक्टर में जो सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इन सर्विसेज आल्सो। देखो, ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इन गुड्स तो एग्जिस्टेंस में आ गया 2016 में, तो 2017 की
ग्यारहवीं मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग में इस बात पर भी चर्चा हुई कि ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट को लाया जाए अब सर्विस सेक्टर में भी। तो इन चार इश्यूज पर चर्चा हुई, एक तो फूड सब्सिडी के इश्यू पर कोई परमानेंट सोल्यूशन निकाला जाए, दूसरा ई कॉमर्स सेक्टर, तीसरा फिशरीज सेक्टर में जो सब्सिडी दी जाती है, और चौथा ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट इन सर्विसेज आल्सो। अब आपके दिमाग में ये आया होगा कि इश्यूज तो चलो ठीक है, मेन बात तो ये है ना कि इन इश्यूज पर क्या कुछ निकल के आया, क्या कुछ हुआ, सहमति बनी इन इश्यूज पर या फिर नहीं बनी। एक देखो बहुत जबरदस्त आर्टिकल हमने डिस्कस किया था 2017 में WTO की इस 11वीं मिनिस्ट्रियल काउंसिल की मीटिंग के बाद। 11वीं मिनिस्ट्रियल काउंसिल की आउटकम क्या रही उसको हमने एनालाइज किया था 2017 के एक आर्टिकल में, आप उस आर्टिकल को रिवाइज कीजिए। WTO के मेंबर कंट्रीज की 11th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई, कहां पे? अर्जेंटीना के शहर ब्यूनस आयरस में। लेकिन इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकला। इंडिया कहता है कि हमें इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से पार्शियल सक्सेस हासिल हुई। कैसे? इंडिया मांग कर रहा था कि हम किसानों को डोमेस्टिकली जो सब्सिडी देते हैं या फिर फूड को जो स्टोर करते हैं, स्टॉक पाइलिंग ऑफ फूड होता है फूड सिक्योरिटी के लिए, उस पे बार बार जो मांग की जाती है डेवलप कंट्री के द्वारा, आप इस सब्सिडी को कम कीजिए। अभी फिलहाल इस चीज पे पीस क्लॉज है, यानी डेवलप कंट्री का कोई भी मेंबर WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास में नहीं जा सकता इस बात को लेके कि डेवलपिंग कंट्रीज यानी कि इंडिया अपने किसानों को सब्सिडी दे रहा है। ये पीस क्लॉज है, मतलब कोई भी मेंबर हमारी शिकायत करके नहीं जा सकता WTO के डिस्प्यूट सेटलमेंट बॉडी के पास। लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज पर निकलना चाहिए ताकि आगे फ्यूचर में कभी भी हमें ना कहा जाए डोमेस्टिकली किसानों को जो सब्सिडी दी जाती है उसे कम करने के लिए। तो इसमें हमें असफलता हासिल हुई क्योंकि इंडिया चाह रहा था कि परमानेंट सॉल्यूशन इस चीज पर निकलना चाहिए, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं निकला। दूसरी बात, सक्सेस कैसे हासिल हुई? डेवलप कंट्री ये कह रहे थे कि ई कॉमर्स पे बात आगे चलनी चाहिए। ई कॉमर्स मतलब के जो डेवलपिंग कंट्रीज की जो मार्केट है वो और ज्यादा ओपन होनी चाहिए डेवलप कंट्रीज की ई कॉमर्स वेबसाइट्स के लिए। इस बात को लेकर डेवलप कंट्री मांग कर रहे थे, लेकिन इस बात पे भी कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। तो यहां पे इस चीज का हम विरोध कर रहे हैं क्योंकि देखो इंडिया में अगर डेवलप कंट्रीज की ई कॉमर्स साइट्स अगर बहुत ज्यादा आएंगी हमारे देश में, जो छोटे रिटेलर्स हैं, छोटे दुकानदार हैं, उनको बहुत ज्यादा खतरा पैदा हो जाएगा। तो इसीलिए हम विरोध कर रहे हैं। इंडिया ये भी बात कर रहा है कि देखो 2011 में जो दोहा राउंड्स की बातचीत है, दोहा राउंड्स में काफी सारे इश्यूज हैं, पहले आप उन इश्यूज को तो सुलझाइए, बाद में आप नए इश्यूज लेके आइए। आपने 2001 के जो दोहा राउंड के जो इश्यूज हैं उनको तो सुलझाया नहीं, आप नए नए इश्यू लेके आ रहे हो, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट का इशू है या फिर इवन फिशरीज का इशू है। जो डेवलप कंट्री है वो ये मांग कर रहे हैं कि हम यानी डेवलपिंग कंट्रीज फिशरीज के लिए जो सब्सिडी देते हैं, डेवलपिंग कंट्रीज उन सब्सिडी को कम कीजिए। डेवलप्ड कंट्री ऐसी मांग कर रही हैं, तो हम इसका भी विरोध कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हम देखो मछुआरे को जो सब्सिडी हम देते हैं वो उनको जीने के लिए आवश्यक है, उनका सब्सिस्टेंस का सवाल है। अगर हम उनको ये सब्सिडी नहीं देंगे तो उनका लाइवलीहुड भी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन दो चीजों को लेकर इंडिया का विरोध था और डेवलप्ड कंट्री इन दो चीजों को लेकर आगे नहीं बढ़ सके। कुल मिलाकर WTO में दो ग्रुप्स के बीच में विवाद है, एक तरफ है डेवलपिंग कंट्रीज और दूसरी तरफ है डेवलप्ड कंट्रीज। अमेरिका ये कहता है कि इंडिया और चाइना जैसे देश हैं उनकी जो GDP है वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है, लेकिन फिर भी वो एग्जम्पशन की मांग करते हैं WTO में, ये गलत है। इंडिया का ये कहना है कि भले ही हमारी GDP है बहुत तेजी से बढ़ रही है, लेकिन अभी भी हमारे देश में बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं, अगर हमें उनको गरीबी से बाहर निकालना है तो हमें एग्जम्पशन चाहिए। जबकि अमेरिका चाइना पर यह आरोप लगाता है कि चाइना ट्रेड डिस्टोर्टिंग प्रैक्टिसेस अपनाता है, ओवर कैपेसिटी, चाइना की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जो फैक्ट्रीज हैं वो स्टील को डंप करते हैं वेस्टर्न कंट्रीज में। इस चीज को लेकर डेवलप कंट्रीज का विरोध है। कंक्लूजन में एक बात बोली जाती है कि देखो हमें लगातार स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना होगा WTO में, हमें किसी भी प्रकार से डेवलप कंट्रीज के दबाव में नहीं आना होगा और अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करना होगा। लेकिन एक बात हम WTO के इस मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस से सीख सकते हैं कि US के भरोसे हम नहीं रह सकते मल्टीलेटरल फोरम्स में। US तो बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देता मल्टीलेटरल फोरम्स को। अब WTO में ट्रंप के जो ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव थे वो तो कॉन्फ्रेंस को बीच में ही छोड़ के चले गए, उन्होंने कॉन्फ्रेंस को पूरा भी नहीं अटेंड किया। और उससे पहले जो WTO की एपिलेट बॉडी है वहां पर जजेस की अपॉइंटमेंट होनी थी, लेकिन USA ने उन जजेस की अपॉइंटमेंट को ब्लॉक कर दिया। यानी ट्रंप अभी बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं मल्टीलेटरल फोरम्स को।
तो ये काफी चिंता की बात है, क्योंकि देखो WTO को 1995 में इस ऑब्जेक्टिव के साथ इस्टैब्लिश किया गया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन विभिन्न कंट्रीज के बीच में फ्री ट्रेड को प्रमोट करेगी और वर्ल्ड के विभिन्न हिस्सों में, विभिन्न देशों में समृद्धि आएगी, प्रोस्पेरिटी आएगी। लेकिन जिस प्रकार से स्टालमेट है WTO जैसी ऑर्गेनाइजेशन में, लगता नहीं कि जिस मकसद के साथ, जिस पर्पज के साथ इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, उस पर्पज के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ पा रही है। तो ये पूरा आर्टिकल था। तो इस प्रकार से हमने WTO से संबंधित आर्टिकल को डिस्कस किया। आज की हमारी डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। आज हमने तीन इश्यूज पे फोकस किया। सबसे पहले हमने एनवायरमेंट लॉस के बारे में आर्टिकल को डिस्कस किया, दूसरे नंबर पे सीड से संबंधित जो आर्टिकल था, और तीसरे नंबर पे WTO से संबंधित आर्टिकल। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।